व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाल सिंह और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज कहां आया हूं। आज मैं आया हूं कानपुर जू में। इस बच्चों को तो ये जगह पसंद होती है, पर हर उम्र के लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से एक बार हर आदमी को एक बार चिड़ियाघर तो घूमना ही चाहिए। गाइस, अगर आपको जंगली जानवर पसंद है तो आपके लिए जगह बहुत अच्छी है, और अगर आप मेरे जैसे बंदे हो जिसे हरे भरे पेड़ पौधे या जंगल जैसी जगह पसंद है तो आप इस जगह आ सकते हैं, कानपुर जू में आ सकते हैं। अभी मैं अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसा है अंदर का नज़ारा। चलिए। ये टिकट घर है, यहाँ से आप अपना टिकट ले सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मैं गाइस आपको दे दूं कि अगर आप 12 साल तक के बच्चे हैं जो भी, तो उनकी टिकट 30 रुपये है, और अगर आप 12 साल के ऊपर हैं तो आपकी टिकट 60 रुपये होगी। और गाइस, मैंने अपनी टिकट ले ली है, ये देखिए। तो अब चलते हैं अंदर, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। चलिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि मंडे को यानी कि सोमवार को ये चिड़ियाघर बंद रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कानपुर जू उद्योगपति एलन ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम एलन भारतीय भी है। कानपुर जू कानपुर के आज़ाद नगर में मौजूद है। तो गाइस, अपने जू का खूबसूरत सफ़र स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा अपना यहाँ का एक्सपीरियंस। तो चलिए चलते हैं। ये जो जगह है, यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के बंदर देखने को मिलते हैं, तो चलिए देखते कैसे हैं बंदर यहाँ के, चलिए आपको दिखाते हैं। इस जगह का नाम है पक्षी घर या पक्षी लोग जो भी। यहाँ पर अलग अलग तरह के बर्ड मिलेंगे, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपका जो स्वागत है वो ऐसी एक जगह से हो। ये बहुत, इसको जब आप यहाँ से इसको निकालेंगे तो काफ़ी भारी है, ऐसी जगह से आपका स्वागत होगा। तो देख लीजिए, अंदर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ अभी। चलिए, thank you.
गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे दिख गया है मोर, जो कि राष्ट्रीय पक्षी होता है। वाव बड़ा ब्यूटीफुल, वाव वाव। ये दो हैं, दो मोर हैं यहाँ पर, ये देखिए। वाव गाइस, एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैथे के बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, ऊपर कैथे के पेड़ लगा है। कई सालों से हम चिड़ियाघर आ रहे हैं और कैथे के पेड़ यहाँ पर हमेशा हम लोग को मिलते हैं। तो गाइस, आपको दो इम्पॉर्टेंट बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो बहुत सीरियस बात है कि बंदरों से सावधान रहें। अगर आप कुछ खाने के लिए लेके आए या कुछ खा रहे हैं तो बंदरों से सीरियसली सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको पहली बात तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आपको चलना बहुत पड़ेगा, तो चलने के लिए तैयार रहिए। तो गाइस, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है ज़ू फूड कोर्ट। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ पर खा पी सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी है जगह। गाइस, ज़ू में आपको जगह जगह ऐसी गाड़ियाँ मिल जाएंगी जिस पर बैठ के आप अपना ज़ू का सफ़र तय कर सकते हैं आसानी से। गाइस, ये गेंडे का बाड़ा जिसको बोलते हैं वो है, पर यहाँ पर गेंडा मुझे नज़र नहीं आ रहा है तो आगे चलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ हर जगह बोर्ड लगा हुआ है कि किसी भी जानवर को छेड़े नहीं। तो मैं ये बात जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ किसी भी जानवर को छेड़े ना या परेशान ना करें, वो आपको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं और उन्हें भी नुकसान ना पहुँचाएँ जी। सो गाइस, ये जो जगह है यहाँ पर कभी चला करती थी, लेकिन आजकल ट्रेन नहीं दिखती। पता नहीं, मैंने कभी ट्रेन देखी नहीं। सुना था कि यहाँ पर ट्रेन चल रही, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ पटरियाँ ही हैं। तो अब ट्रेन चलेगी कि नहीं ये पता नहीं, ये फ़िलहाल ये पटरियाँ यहाँ पड़ी रहती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। अब काफ़ी धीरे धीरे मैं थक भी रहा हूँ, लेकिन देखते हैं आगे चलते हैं। मुझे बब्बर शेर देखना है, तो चलिए चलते हैं। अगर आप बहुत टाइम से कानपुर ज़ू नहीं आए हैं तो मैं आपको बहुत जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जंगली सुअर भी आ चुके हैं। एक डायलॉग है ना कि झुंड में तो सुअर आते हैं, अगर ये जंगली सुअर आ गए तो भाई कोई भी डर जाएगा। यहाँ पर जंगली सुअर आ चुके हैं, तो ये नया है कुछ यहाँ पर, तो मैंने सोचा कुछ जानकारी आपको दे दूँ। गाइस, फाइनली बब्बर शेर का बाड़ा है ये, लेकिन मैंने तो देख लिया, लेकिन आपको अगर देखना है तो इसके यहाँ पर खुद आकर ही इसके दर्शन हो पाएंगे, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने देख लिया कैमरे के ज़रिए, मैं उतने अच्छे से नहीं दिखा सकता हूँ। तो यार, ये राजा होता है शेरों का या जानवरों का,
कई तेंदुआ दिखाया, बाघ दिखाया, ये बब्बर शेर। तो अगर इसके मज़े लेने हैं तो आ जाओ कानपुर ज़ू। तो चलिए, मेरा फाइनल जो स्टॉप था वो वहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं वापसी के लिए हूँ, तो निकलता हूँ मैं फिर से। ये जो जगह है, यहाँ पर आपको कई अलग अलग टाइप के सांप देखने को मिलेंगे, पर अभी शायद ये जगह बंद है। पर आप पहले आगे कभी भी आएंगे तो ये यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको सांप देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ के मज़ा ले सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। गाइस, एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये चिड़ियाघर बहुत बड़ा है। यहाँ पर कई तरह के जानवर हैं, मैं यहाँ पर हर तरह के जानवरों को दिखा नहीं पाऊँगा। अगर आपको इसके पूरे मज़े लेने तो आप यहाँ पर आइए, इसके पूरे मज़े लीजिए। आई एम श्योर आपको पूरा मज़ा आएगा। फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ के दर्शन कर लीजिए जब भी आपको टाइम मिले। तो गाइस, मैं ऑलमोस्ट बाहर आ चुका हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत जर्नी रही अंदर की, चिड़ियाघर की काफ़ी खूबसूरत जर्नी रही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं गाइस, कोई नई जगह मिलते हैं, आपको नई जगह की कोई जानकारी दूंगा। थैंक यू सो मच।